सो फ्रेंड्स, मैं आया हुआ हूँ अपनी फूफी के यहाँ। यहाँ से हम जा रहे हैं डैम पर। ये आ चुकी है यहाँ पर छोटी सी नदी, और ये नदी उसी डैम से होती हुई आती है, इसमें उसी डैम का पानी आता है। और आप ये लोकेशन देख सकते हैं, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, बीच में एकदम से रोड है, और हम जा रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो, मेरा भाई हाथ निकाल रहा है बाहर से, एकदम रॉक वाला सीन है। यहाँ पर कार फंस रही है और हम निकाल रहे हैं कार को, आगे बता रहे हैं कि कैसे निकालना है। तो इनको हम बता रहे हैं आगे करो भाई। चलो, इन्होंने निकाल दिए, अब हम भी चलना शुरू करते हैं। आजा भाई, आजा जल्दी बैठ। चलो, अब हम यहाँ से चल रहे हैं, और ये हम एक गांव में आ चुके हैं। बिल्कुल सुनसान गांव है, ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई रहता भी है या नहीं। अब हम निकल चुके हैं आगे, और अब बहुत मतलब पास ही रह गया है ये डैम, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये पूरा गाँव भी ख़त्म होने वाला है। अब हम इस सीधे हाथ की साइड मुड़ जाते हैं, और यहाँ पर भी अभी बहुत सारे घर हैं, लेकिन छोटा सा गांव है। और यहाँ पर कोई भी तो नहीं था यार, गाइस सीरियसली कोई भी नहीं था। ये देखो, दो ट्रैक्टर खड़े हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हम हाईवे पर आ चुके हैं। तो ये रोड पर ट्रैफिक बहुत चल रहा है, लेकिन हम अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, और ये रोड सीधा जाता है नेपाल। यहाँ से 550 किलोमीटर रह जाता है नेपाल। और अब हम पेट्रोलियम पे जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। हमने यहाँ पर पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम दोबारा चल दिए, क्योंकि हमें डैम पर ही तो जाना है। यहाँ पर क्या पिकनिक बनाने आए, तो हम सीधे जाएंगे। और यहाँ पर अब हम हवा चेक करवा रहे हैं, कितनी है हवा टायर में। गाइस, हम जाने वाले हैं डैम पर, और ये बैठा है, ये कह रहा है इतनी देर से कि वीडियो नहीं बन रही, लेकिन अब वीडियो बनाने के वाले आ गए हैं। तो देखो, ये भाई मैं इनका फैन नहीं हूँ, फिर भी आया भाई, मेरे से चिपक रहे हैं ना, हटा दे क्यों नहीं है भाई, इसे अपने घर ले जाओ भाई, प्लीज भाई। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, हमने भी भेजा है, हमें बस की नहीं है हमारे। तो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अब डैम पर, तो आप देखिएगा हम कैसे एंजॉय करते हैं। ओके, बस मैं इतने बोलना चाहती थी, बस 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 बस। थोड़ी सी बात करने के बाद फिर हम दोबारा से चल दिए हैं, और यहाँ से हम मुड़ रहे हैं। यहाँ से डैम सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर दूर दे जाता है यहाँ पर। ओ भाई, कितना कवाड़ा पड़ा है गाड़ियों का, इन्होंने सत्यानाश मार के रखा है सारी गाड़ियों का, यार क्या कर दिया। और हाँ, ये जो नदी है, इस नदी में ही आता है सारा डैम का पानी, मतलब इस नदी से फिर छोटी छोटी नदी आती है, फिर उन छोटी नदी से और छोटी नदी आती है। आपने देखी, ये भी उसी डैम की नदी थी। एंड हम यहाँ से अब जब मुड़ जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से सीधा डैम पर पहुँचेंगे। 3 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से सिर्फ डैम, एंड सीधा ये रोड डैम पर ही जाता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ चल रही है। वाह यार, यहाँ पर कितनी गाड़ी चल रही है साइडों में, आप देख सकते हैं। ये नदी आ रही है छोटी सी, ये कितना जैम है यार यहाँ पर, अब हमें रुकना पड़ेगा। ओ भाई यार, यहाँ पर कितना जैम है, कितनी देखो यार कैसे निकल रहे हैं ये लोग। ओ यार, कितनी भीड़ है यहाँ पर, न्यू ईयर की वजह से यार इतनी भीड़ आई हुई है, यहाँ पर जैम भी लगा पड़ा है यार, क्या मज़ा आएगा यहाँ पर इतनी भीड़ में। इतनी भीड़ होती है तो इतना मज़ा नहीं आता है, थोड़ी कम भीड़ होती है तो मज़ा आता भी है ज़्यादा। और यार यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है। ओ भाई यार, जैम में फंस रहे हैं, इतना आधा घंटा हो गया हमें फंसे हुए यार, जैम में ही फंसे हुए हैं इतनी देर से। और ये बंदा देखो ऐसे घुस रहा है जैसे कि पता नहीं खा जाएगा हमें। यार सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है, तो बता दिया भाई, बता दिया। ओह, इसमें देखो तो यार लंगूर बैठा है, मतलब अच्छे अच्छे बंदों को कार नसीब नहीं होती, जैसे लंगूर को कार नसीब हो गई, कहाँ से ऐसा क्यों। गाइस यार, बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हम इतनी देर हो गई जैम में अटके हुए, हमारे भाई भी अभी पीछे खड़े थे। अब हम जैम से हम निकल आए, देखो इतनी मुश्किलों के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। ऊपर जाते जाते फिर भीड़ मिल रही है यार, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, क्यों ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। इतनी देर हो गई, मतलब भीड़ जहाँ से शुरू हुई है अभी तक भीड़ चल ही रही है। फिर हम साइड से निकल रहे हैं, फिर यहाँ से देखो यहाँ पर स्क्रीन चल रही है, कोरोना की गाइडलाइंस बताई जा रही है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं कर, एकदम चिपक चिपक कर चल रहे हैं सारे लोग भाई साहब, कोई भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े हैं, देखो पीछे इन्हें बता रहे हैं कि दूर जाओ, लेकिन फिर भी सारे लोग। यहाँ पर भीड़ कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार इतनी है तो लोग कितने होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं डैम पर, और कितनी डरावनी यार, वहाँ से पानी गिर रहा है, और ये बहुत ही मेरे तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है। आज है 1 जनवरी 2022, तो न्यू ईयर की उसमें इतनी बहुत सारी भीड़ आई हुई है, सारी तरफ भीड़ भीड़ नजर आ रही है, वैसे नहीं होती है भीड़, लेकिन आज पता नहीं क्यों है इतनी ज़्यादा भीड़। और इतनी भीड़ में मुझे कोई भी नहीं जानता है, एक बंदा भी तो नहीं जानता है। तो अब हम नीचे चलते हैं, आओ हल्के हल्के पानी गिरता है साइड से, बिल्कुल ये गोल हुआ पड़ा है, कितना घेरा होगा मुझे साइड में चलते हुए, बहुत डर लगता है।
इसलिए मुझसे बोला भी नहीं आ रहा। ओ वाओ यार क्या व्यू आ रहा है ये। ओ भाई भीड़ को नहीं पानी को, अभी पानी से किसी को डर लगता है सारे। तो गाइस आप इस डैम में देख सकते हैं ये चार गेट है, चार तरफ से पानी निकल रहा है और यहाँ से चार तरफ से पानी छूटता है। जब ये पानी छूटता है तो ये पूरी ये जितनी भी जगह है दिख रही है, यहाँ पर लोग हैं तो ये सारी जगह पानी से भर जाएगी। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे खाते हुए बेचारे। यहाँ पर सारी तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। ये क्या फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें हमारे एक नया सब्सक्राइबर मिल चुका है। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कह रहे थे कि चैनल का नाम बताओ तो मैंने इन्हें बताया। अब मैं सर्च कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर लाओ मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर फंडी ब्लॉग्स एंड एक मिनट फंडी ब्लॉग्स। अब मैं यहाँ पर सर्च कर हेलो भाई। अब ये सब काम आपके हाथों से अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करते हुए चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लो गाइस। यार यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, ये सब्सक्राइब कैसे कर रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो हमारा तो एक सब्सक्राइबर का नुकसान हो रहा है, एक सब्सक्राइबर भी बहुत होता है, बूंद बूंद से दरिया बहता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो गाइस ये कह रहे हैं कि अब बाद में कर लेंगे सब्सक्राइब। चल चलो हमारी किस्मत में सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं है कोई भी, दो तीन और बढ़ते हैं तो देखते हैं। सो गाइस हम बड़ी ही मुश्किलों के बाद इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ तक आए हैं, इन पर चढ़ के आए हैं। देखो यहाँ पर मतलब साइडों में सूखा है मानते हैं, लेकिन यार मेहनत तो लगती है चढ़ने में उतरने में। तो अब हम इधर आ चुके हैं, थोड़ी सी पास आओ कैमरा मैन एक एक करके। यहाँ पे गाइस कैसा लगता होगा जब यहाँ से पानी छूटता होगा, और यहाँ से जब पानी छूटता होगा तो भाई साहब कुछ खतरनाक व्यू आता होगा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसी डैम की जब यहाँ से पानी छोड़ा गया था, इस डैम की वीडियो दिखाऊंगा मैं।